बात करेंगे बांका जिले के कटोरिया प्रखंड की, जहां सुइया कटोरिया रोड पर स्थित कांवरिया धर्मशाला की हालत काफी जर्जर है। रख रखाव के अभाव में यह धर्मशाला कभी भी धराशाही होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में इस धर्मशाला की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहाँ ये धर्मशाला कभी भी धराशाही हो सकता है। यहाँ के पुजारी कहते हैं कि हमें स्थानीय विधायक के द्वारा कोई सुविधा नहीं मिलती है, जबकि इस धर्मशाला में से सावन में राजस्व की अत्यधिक प्राप्ति होती है, बावजूद इसके ये धर्मशाला अपने दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। देखिए बांका से हमारे संवाददाता राजेश पंजकार की ये ग्राउंड रिपोर्ट। अठहत्तर से है तो ये जो धर्मशाला है इसकी देख रेख रख रखाव कौन करते हैं? विधायक। इतने दिनों से ये जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मधुमक्खी का छत्ता है, और इलाका इसके लिए क्या कहना है आपका? विधायक जी आते हैं, देखते हैं, जाते हैं, कहते कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपकी व्यवस्था कैसे चलती है? भगवान भरोसे। अगर स्टाफ हम लोग हैं, जिसमें एक स्टाफ मर गया कल परसों, और हम लोग भी जाने वाले हैं। आपको इसके द्वारा, विधायक के द्वारा या कुछ ऐसा आपको नहीं मिलता है? कुछ नहीं। अच्छा, तो इतना रिस्क लेकर आप बाबा के नाम से यहाँ अपना काम कर रहे हैं? बाबे खुला रहे। अच्छा, कितना कांवरिया यहाँ रुकता है सावन में? सावन में गाड़ी घोड़ा वाला वही आता जाता है, यानी 2-4 हजार 5 हजार। इसके लिए रख रखाव की जरूरत है। हाँ।